अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल क्लास 10th यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी, न्यूमेरिकल नंबर 12.7। नबीला यूज अ कनके मिरर व्हेन डूइंग हर मेकअप। द मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर्स ऑफ 38 सेंटीमीटर। ए पार्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। बी पार्ट, नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर विल हर इमेज अपीयर। सी पार्ट, विल द इमेज बी अपराइट आर इन्वर्टेड। यानी कि डियर स्टूडेंट्स, नबीला जो है कनके मिरर को यूज़ करती है मेकअप के लिए। अब उस मिरर का हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर्स गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स 38 सेंटीमीटर। हमने डियर स्टूडेंट्स उसकी क्या फाइंड करनी है, मिरर की फोकल लेंथ। नेक्स्ट, नबीला इज लोकेटेड फ्रॉम द मिरर्स 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि इमेज डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। वेयर आर इमेज अपीयर, हमने इमेज डिस्टेंस जो है वो क्या करना है, फाइंड। साथ में हमने ये भी बनाना है कि इमेज जो है वो अपराइट है या इन्वर्टेड। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट इसका डाटा जो है वो नोट डाउन करते हैं। डाटा, नंबर वन, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर्स गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स आर इज इक्वल 38 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है। अब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी इज इक्वल 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ये दो चीज़ें हमें गिवन है डियर स्टूडेंट्स। अब हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड फाइंड हमने डियर स्टूडेंट्स ए पार्ट जो है इसका, फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है। एफ, अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमने इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। बी पार्ट, इमेज डिस्टेंस क्यों हमने फाइंड करना है। सी पार्ट, हमने नेचर इमेज की बतानी है, नेचर ऑफ इमेज। सॉल्व, अब डियर स्टूडेंट्स ए पार्ट जो है वो इसका सॉल्व करते हैं। ए पार्ट क्या है, फोकल लेंथ आपने फाइंड करनी है, यानी कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर की आपने क्या फाइंड करनी है, फोकल लेंथ। वी नो दैट अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर्स गिवन है,
रेडियस ऑफ क्रिवेचर्स का हाफ जो होती है वो फोकल लेंथ होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसलिए फोकल लेंथ इज इक्वल रेडियस ऑफ क्रिवेचर्स का हाफ। अब डियर स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ क्रिवेचर्स हमारे पास कितना है, 38 ओवर टू कितना आ जाएगी, फोकल लेंथ हमारे पास फाइंड हो जाएगी 19 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, बी पार्ट हम इसका सॉल्व करते हैं। बी पार्ट क्या है, इमेज डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। बी पार्ट इमेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट वन ओवर एफ इज इक्वल वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू। अब वन ओवर एफ डियर स्टूडेंट फोकल लेंथ हमने फाइंड की है 19 इज इक्वल। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, वन ओवर पी, पी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है, 50 सेंटीमीटर प्लस वन ओवर क्यू, क्यू जो है वो हमने क्या करना है फाइंड। अब वन ओवर 50 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, वन ओवर 19 माइनस वन ओवर 50 इज इक्वल वन ओवर क्यू। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, वन को डिवाइड कर देंगे 19 के ऊपर, पॉइंट 0526 माइनस, अब वन को डिवाइड कर देंगे 50 के ऊपर, पॉइंट 02 इज इक्वल वन ओवर क्यू। अब पॉइंट 0526 में से माइनस कर देंगे 0.02, पॉइंट 0326 इज इक्वल वन ओवर क्यू। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका डिनोमिनेटर वन है, रकम हम उल्टा देंगे, क्यू इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, वन ओवर 0.0326। वन को डिवाइड कर देंगे 0.0326 के ऊपर, तुम्हारे पास डियर स्टूडेंट्स क्यू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 30.67 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हमने इसका सी पार्ट नेचर ऑफ द इमेज बताना है। सी पार्ट नेचर ऑफ द इमेज। अब डियर स्टूडेंट देखें, हमारे पास जो क्यू यानी कि इमेज डिस्टेंस आया वो पॉजिटिव में आया है, इसलिए हमारे पास जो इस इमेज की नेचर होगी वो रियल होगी और साथ में क्या होगी, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हमारे पास इसका क्या फाइंड हो गया, सी पार्ट। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल 12.8 जो है वो हम इसका सॉल्व करते हैं। 12.8 न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पोजिशन and the size of the image, also state the nature of the image। यानी कि डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमें डियर स्टूडेंट्स गिवन है 12 सेंटीमीटर। मिरर लेंस कौन सा यूज हुआ है, कन्वेक्स लेंस।
अब इसकी फोकल लेंथ हमारे पास डियर स्टूडेंट है 8 सेंटीमीटर। अब हमने जो चीजें फाइंड करनी है, कैलकुलेट द पोजीशन यानी कि इमेज डिस्टेंस और साइज ऑफ द इमेज फाइंड करनी है, और साथ में हमने आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, हमने इस इमेज की क्या बतानी है जी, नेचर्स। डाटा सबसे पहले नोट डाउन करते हैं। डाटा अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट फोकल लेंथ, रिप्रेजेंट करते हैं एफ से 8 सेंटीमीटर। अब हमने डियर स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट टू फाइंड कैलकुलेट द पोजीशन, यानी के हमने इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस क्यों, और साथ में डियर स्टूडेंट्स हमने साइज ऑफ इमेज फाइंड करना है, यानी कि इमेज की हाइट, हाइट ऑफ इमेज एच आई, यानी कि साइज ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज एक ही बात है। आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, इमेज की हमने नेचर भी बतानी है टू फाइंड। सॉल्व हो जाएगा, अब वी नो दैट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी है, फोकल लेंथ भी। हम इधर से पहले इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, 1/f इज इक्वल 1/p प्लस 1/q। अब 1/f हमारे पास कितना गिवन है, 8, यानी कि f फोकल लेंथ इज इक्वल 1/p, पी गिवन गिवन कितना है 12 सेंटीमीटर। 1/q हमने क्या करना है फाइंड, यानी कि क्यों फाइंड करना हमने, इमेज डिस्टेंस। ये प्लस का 1/12 इधर आके माइनस का, अब डियर स्टूडेंट्स 1 को 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे, पॉइंट 1/25 माइनस 1 को डिवाइड करेंगे 12 के ऊपर, 0.083 इज इक्वल 1/q। अब 0.125 में से माइनस कर देंगे 0.083, 0.042 इज इक्वल 1/q। अब 0.042 का डिनोमिनेटर कितना है 1, और रकम उल्टा देंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यू इज इक्वल 1/4
अब वन को इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे 0.042, क्यों हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कितना फाइंड हो जाएगा 23.8। अब हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं क्यों इज इक्वल 24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या फाइंड हो गया, इमेज डिस्टेंस। अब हमने हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड करनी है। वी नो डैट हाइट ऑफ इमेज यानी कि मैग्निफिकेशंस, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशंस इज इक्वल हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये इक्वल होता है क्यू ओवर पी। अब हम डियर स्टूडेंट्स इधर से हमने हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, इन दो को हम इक्वल रख लेंगे, एच आई हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, हाइट ऑफ इमेज क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास क्यू की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी है, 24, पी की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है, 12, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर। अब डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास कितना फाइंड हो जाएगा, जब 24 को 12 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 सेंटीमीटर हाइट ऑफ क्या फाइंड हो गई है, इमेज। अब हमने डियर स्टूडेंट इसका तीसरा पार्ट जो है यानी कि क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ द इमेज। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लेंस कौन सा यूज हुआ है, कन्वेक्स लेंस। अब इसकी फोकल लेंथ भी प्लस में है और साथ में इमेज डिस्टेंस भी हमारे पास प्लस में आया, इसलिए इसकी नेचर हम क्या लिखेंगे, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और साथ में डियर स्टूडेंट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास 4 सेंटीमीटर था लेकिन हाइट ऑफ इमेज हमारे पास क्या आया, 8 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज क्या हो गया, मैग्निफाइड। बढ़ाओ के दिखाई देगा हमें, ये हमारे पास इन तीनों पार्ट के यानी कि इमेज डिस्टेंस भी हमने फाइंड कर दिया, हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड कर दी और नेचर ऑफ द इमेज भी बता दिया। न्यूमेरिकल नंबर 12.9, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 20 centimeter from a concave lens of focal length 15 centimeter. Calculate the position and the size of the image. Also state the nature of the image. Now, dear students, हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर और फिर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 20 सेंटीमीटर और लेंस हम यूज कर रहे हैं कनकेव लेंस और इसकी हमें फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। अब हमने डियर स्टूडेंट इसकी इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है, साथ में मैंने साइज ऑफ इमेज भी फाइंड करना है और नेक्स्ट नेचर ऑफ द इमेज भी हमने इसको यानी कि न्यूमेरिकल के अंदर हमने बताना है। अब सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम इसका डाटा जो है वो नोट डाउन करते हैं, डाटा सबसे पहले हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसे मैं डियर स्टूडेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, एच ओ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी से रिप्रेजेंट करते हैं कितना है 20 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ डियर स्टूडेंट्स हमें गिवन है, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं 15 सेंटीमीटर। अब डियर स्टूडेंट्स हम लेंस यूज कर रहे हैं कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है डियर स्टूडेंट्स वो कैसी होती है, माइनस नेगेटिव होती है। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स टू फाइंड फाइंड का करना हमने इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, क्यों। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमने साइज ऑफ द इमेज यानी कि हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमने नेचर ऑफ द इमेज भी बतानी है। सॉल्व फॉर्मूला हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले तो क्यू फाइंड करते हैं, वी नो दैट क्या फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 1/f इज इक्वल 1/p प्लस 1/q। अब डियर स्टूडेंट्स फोकल लेंथ हमें गिवन है 1/-15। 1p की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 20 सेंटीमीटर प्लस क्यू हमने फाइंड करना है यानी कि इमेज डिस्टेंस। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स ये 1/20 इधर प्लस का इधर आके माइनस का, -1/20 इज इक्वल 1/q। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारे पास इसका कितना फाइंड होगा 15 और 20, 5, 3 और 4 यानी कि 60 इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। एलसीएम 60, अब 60 को 15 के ऊपर डिवाइड करेंगे 4 और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस का 4 माइनस, अब डियर स्टूडेंट 60 को 20 के ऊपर डिवाइड किया 3, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 1 3 इज इक्वल 1/q। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स -7 बन गया ओवर 60 इज इक्वल 1/q। अब डियर स्टूडेंट रकम जो है वो हम उल्टा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा,
imply that Q is equal 60 over माइनस का 7। अब डियर स्टूडेंट 60 को डिवाइड करेंगे माइनस 7 के ऊपर, यानी कि 7 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। 60 डिवाइडेड बाय 7 आंसर आया डियर स्टूडेंट्स, इधर से हमारे पास क्यू इज इक्वल 8.57 सेंटीमीटर। एक मरतबा डियर स्टूडेंट फिर चेक करते हैं हम, हमारे पास 15 जो है था, हमारे पास फोकल लेंथ थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 था, 1/20 इधर प्लस का इधर के माइनस कर दिया, फिर हमने 15 और 20 का एलसीएम लिया, हमारे पास 60 आया, 62 को डिवाइड किया 15 के ऊपर 4 को माइनस 1 के साथ, 4 1 4, और फिर उसके बाद 60 को डिवाइड किया हमने 20 के ऊपर 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 हो गया। अब रकम उल्टाने से हमारे पास ये क्या आंसर आ गया, माइनस का 8.57 सेंटीमीटर। ये हमारे बढ़िया स्टूडेंट्स इसका क्या फाइंड हो गया, इमेज डिस्टेंस। अब नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर डियर स्टूडेंट्स हम हाइट ऑफ इमेज फाइंड करते हैं। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट मैग्निफिकेशन का फार्मूला हम जानते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल हाइट, हमने क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल होता है क्यू ओवर पी। अब डियर स्टूडेंट्स हम इधर से फार्मूले को रीअरेंज करेंगे, यानी कि हम हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल किसके है, क्यू ओवर पी के लिख लेंगे। हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल क्यू ओवर पी। हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इधर डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इस फार्मूले के अंदर डियर स्टूडेंट्स हम वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल क्यू, डियर स्टूडेंट्स हमने अभी फाइंड किया है लेकिन नेगेटिव का साइन नहीं अप्लाई करेंगे, 8.57 डिवाइडेड बाई, अब डियर स्टूडेंट्स पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है कितनी है 10। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 8.57 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ और डिवाइड कर देंगे 20 के साथ, तुम्हारे पास डियर स्टूडेंट्स हाइट ऑफ इमेज जो है वो कितनी फाइंड हो गई है, 4.29 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमने नेचर ऑफ द इमेज बतानी है। अब डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास क्यू की वैल्यू जो है वो माइनस में आई है, इसलिए इमेज जो है यानी कि इसकी इमेज की जो नेचर होगी वो वर्चुअल इमेज बनेगा और साथ में इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट और साथ में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज 10 सेंटीमीटर था लेकिन इमेज का साइज कितना है, 4.29 सेंटीमीटर। इमेज हमारा जो है वो क्या हो गया, छोटा यानी के डिमिश्ड यानी के स्मॉलर हो गया जी, ये हमारे पास इसकी नेचर ऑफ द इमेज।
अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 10 12.10, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज टू बी यूज्ड टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड। यानी कि डियर स्टूडेंट, हमें कन्वेक्स लेंस हमें गिवन है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब हमारे पास वर्चुअल इमेज हमने बनाना है, यानी कि वर्चुअल इमेज उससे बन रहा है, लेकिन वो कितना है 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज बन रहा है वो 3 गुना बड़ा है किसके साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से। वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस, यानी कि आपने बताना है कि लेंस को कहां पर प्लेस किया जाए। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका डाटा जो है वो नोट डाउन करते हैं। फोकल लेंथ F 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अब हमें कंडीशन दी गई है, यानी कि मैग्निफिकेशन, ये समझ लें कि हमें मैग्निफिकेशन गिवन है इधर से 3 times। मैग्निफिकेशन को M से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है 3। मैग्निफिकेशन। अब नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस। यानी कि हमने यही समझ लें कि हमने क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट एक है तो उसको उधर से कितना लेंस दूर रखा जाए, लेंस से डिस्टेंस फाइंड करना है इनका। तो हम इधर यही लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सॉल्व, वी नो दैट, हम जानते हैं (1/F) = (1/P + (1/Q). अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ तो हमारे पास गिवन है, इमेज डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, लेकिन क्यों हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें मैग्निफिकेशंस गिवन है। क्या गिवन है? मैग्निफिकेशंस। अब हम इधर से पहले क्या फाइंड करेंगे, क्यों। अब मैग्निफिकेशंस (M = (Q/P). अब डियर स्टूडेंट, मैग्निफिकेशन हमारे पास कितनी है, 3 Q/P। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, P इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 3P = (Q). लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना है आपने कि इमेज कौन सा बन रहा है, वर्चुअल। जब इमेज वर्चुअल बन रहा होगा तो हमारे पास क्यू की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में जी। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ये क्यू की वैल्यू फाइंड हो गई है, अब हमने पी फाइंड करना है। इधर से वैल्यूज जो है इस फार्मूले के अंदर हम क्या कर देते हैं, पुट 1/F। एफ डियर स्टूडेंट कितना है, 6। 1/P हमने फाइंड करना है, प्लस अब हमें 1/Q कितना गिवन है, माइनस का 3P।
अब ये क्या बन जाएगा, 1/6 एज इट इज, 1/p, ये प्लस का साइन माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, जमा माइनस माइनस 1/3p। अब 1/6 एज इट इज इक्वल, अब हम इधर से क्या लेंगे, एलसीएम, एलसीएम आएगा 3p। अब डियर स्टूडेंट्स, 3p को जब p के ऊपर डिवाइड करेंगे तो p p के साथ कैंसिल, 3 रह जाएगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 1 3। अब 3p को 3p के ऊपर डिवाइड किया, 1 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 1/6 इज इक्वल टू 2/3p। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, 3p यानी कि दो फ्रैक्शन फॉर्म के दरमियान में इक्वल का साइन है। अब हम इधर से क्रिस क्रॉस कर देंगे, 3p को 1 के साथ मल्टीप्लाई और 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा, 3p इज इक्वल, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 2, 3p इज इक्वल कितना आ जाएगा, 12। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है p के साथ, उधर जाके डिवाइड, p इज इक्वल 12/3, p इज इक्वल कितना फाइंड हो गया, 4 सेंटीमीटर। इतनी दूर डियर स्टूडेंट्स हम जो है वो कन्वेक्स लेंस को प्लेस करेंगे इमेज से। सॉरी, ऑब्जेक्ट से, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है ना उधर से हम इसको प्लेस करेंगे लेंस को, कितनी दूर है, 4 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट वाला न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं, 12.12, द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 5 डाइऑप्टर d, एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस फ्रॉम द लेंस सो दैट इट्स रियल एंड 2 times लार्जर इमेज इज फॉर्मेड। यानी कि डियर स्टूडेंट्स, हमें पावर ऑफ अ लेंस गिवन है कितनी है, 5 डाइऑप्टर, एट वट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमने फाइंड करना है फ्रॉम द लेंस, लेंस से, सो डैट इट्स रियल, यानी कि इमेज हमारे पास बने रियल एंड 2 times लार्जर इमेज इज फॉर्मेड, और 2 गुना बड़ा इमेज होना चाहिए किससे, ऑब्जेक्ट से। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इसका डाटा जो है वो नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस p से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है, 5 डाइऑप्टर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक शर्त गिवन है, लेकिन वो हम शर्त जो है यानी कि मैग्निफिकेशंस इधर ही लिख लेते हैं, मैग्निफिकेशंस m गिवन है हमें, कितना है, 2। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना हमने, p से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्व वी नो दैट f इज इक्वल 1/p प्लस 1/q। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फोकल लेंथ नहीं है, लेकिन
डियर स्टूडेंट्स, हमें पावर ऑफ लेंस गिवन है, इधर से हम इसकी क्या फाइंड कर लेंगे, फोकल लेंथ। पहले मैं इसकी फोकल लेंथ फाइंड कर देता हूं। पावर ऑफ लेंसेज पी, हमारे पास फोकल लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, पावर ऑफ लेंसेज ऑफ लेंस इज इक्वल वन ओवर फोकल लेंथ। अब डियर स्टूडेंट, पावर ऑफ लेंसेज को हम रिप्रेजेंट ही करते हैं किससे, पी से, क्या बन जाएगा, वन ओवर एफ। अब डियर स्टूडेंट, फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है, पावर ऑफ लेंसेज हमें गिवन है। अब ये इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, और पी मल्टीप्लाई हो रहा था होगा, इधर आके क्या बन जाएगा, डिवाइड। फोकल लेंथ इज इक्वल वन ओवर पी। अब इस फॉर्मूले के अंदर डियर स्टूडेंट्स, हम वैल्यू जो है वो क्या कर देंगे, पुट एफ इज इक्वल वन ओवर फाइव, एफ इज इक्वल 0.2 मीटर। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम इस फार्मूले के अंदर जो वैल्यूज पुट करते हैं वो हम सेंटीमीटर में ऑलरेडी पुट कर रहे हैं, हम इस मीटर को भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर में, और 100 के साथ क्या कर देंगे, इधर से मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, पी हमने फाइंड करना है, क्यों नहीं है हमारे पास। अब हमारे पास एक मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 2। मैग्निफिकेशन एम, फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ओवर पी। अब मैग्निफिकेशन की जगह पर डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है, 2। क्यू हमने इधर से लेके आना है और पी हमने इधर से क्या करना है, फाइंड। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पी डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2p इज इक्वल किसके आ जाएगा, क्यू के। अब हम क्यू की जगह पर डियर स्टूडेंट्स क्या वैल्यू पुट करेंगे, 2p। अब फार्मूले के अंदर वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं, 1 ओवर एफ की जगह पर डियर स्टूडेंट 20 इज इक्वल 1 ओवर पी, हमने फाइंड करना है, यानी कि पी फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, प्लस 1 ओवर क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है, 2p। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2p, 2p को पी के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास रह गया 2, 2 1 2, और 2p को 2p के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1। अब हमारे पास 1 ओवर 20 इज इक्वल कितना, 2 + 1 = 3 ओवर 2p। अब डियर स्टूडेंट, इधर से क्रिस क्रॉस करेंगे, 2p को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 20 को 3 के साथ, 2p इज इक्वल कितना आ जाएगा, 60। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, पी इज इक्वल 60/2, और पी इज इक्वल डियर स्टूडेंट कितना फाइंड हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या फाइंड हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आई होप डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल जो हैं अच्छे से समझ लग गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।